असल बिल्कुल करता हूँ, आप सब कैसे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों की जानब से आपकी मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफे के हवाले से अहम तरीन खबर सामने आ गई है। और इस खबर के बाद जितने भी स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे और आपको इस खबर की तमाम तार वजूहत भी बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी पेरेंट्स स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर जाना चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि ऐसे मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचती रहें। ऐसे तमाम तलबा व तलबा जो कि पंजाब के सरकारी स्कूल में ज़ेर तलीम हैं और वो छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे थे मौसम गर्मा की, तो इसी हवाले से पंजाब के तमाम बोर्ड्स की जानब से स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी जो छुट्टियाँ हैं उसके अंदर इजाफा किया जाएगा। पंजाब के तमाम बोर्ड्स की जानब से, तमाम क्लासेस की जानब से आपकी जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर छुट्टियों में इजाफा हो जाएगा। तो इसी हवाले से ताज़ा तरीन खबर सामने आई है तमाम सरकारी स्कूलों के हवाले से। तो आपकी जो छुट्टियाँ हैं इसके चेंज होने की, आपका जो नोटिफिकेशन एक्सटेंड होने की जो वजूहत क्या हो सकती हैं, पहले आपने देखा कि हर साल छुट्टियाँ एक्सटेंड होती हैं, उसके अंदर आपकी जो मौसम गर्मा की छुट्टियां हैं या तो मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इजाफा किया जाता है या फिर किसी और संजीदा सूरत हाल को देखकर आपकी छुट्टियों में इजाफा किया जाता है। लेकिन इस बार आपने देखा कि मौसम भी बहुत ही मोतदिल है और हर तरह खुशहाली है, किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। तो इस वजह से आपके जो स्कूल हैं वो इंशाल्लाह आपकी मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद 21 अगस्त को दोबारा रीओपन होने वाले हैं। तमाम तलबा व तलबात 21 अगस्त को अपनी बकायदा क्लासेस का आगाज़ करें। इस हवाले से मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं छुट्टियों का जो आया था, तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन था। आपको 6 जून से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जून 2023 से 20 अगस्त 2023 तक आपको छुट्टियाँ हुई थी और 21 अगस्त को इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।